हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आप फ्लैट की कास्टिंग करने जाते हैं तो आपको अंदाजा नहीं होता है कि आपका जो छत ढलाई होने वाला है उसमें कितना जो है सीमेंट लगेगा। ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि आप खुद कैसे आपके घर में कितना सीमेंट लगेगा, आपके स्लैब की कास्टिंग में कितना जो है वो कितने नंबर ऑफ बैग सीमेंट लगेंगे जो आप छत की ढलाई कर रहे हैं वो आप खुद कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहता है, कंफ्यूजन रहता है तो वो लोग मिस्त्री से या फिर ठेकेदार से पूछते हैं और वो कुछ ऐसे ही रैंडमली नंबर बोल देता है। लास्ट में क्या होता है कि छत की ढलाई होते समय आपका जो काम अधूरा रह जाता है, फिर आपको मार्केट से जाके दोबारा परचेस करना पड़ता है। तो आप खुद कैसे अपने घर घर पर बैठे बैठे आप खुद कैसे निकाल सकते हैं कि आपके छत की जो ढलाई होने वाली है उसमें कितना जो है सीमेंट लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये डिटेल बताएंगे। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको दो चीज कंफर्म करना होगा। पहला चीज कि जो आपका स्लैब का एरिया कितना है। तो मान लीजिए ये आपका छत का कुछ एरिया है, हमने स्लैब का एरिया रखा है, मान लीजिए आपका 20 फीट जो है चौड़ा है और 50 फीट जो है लंबा है, ठीक है। और जो आप जो छत की ढलाई करने वाले हैं उस स्लैब का जो थिकनेस है वो 5 इंच का है। तो कुछ इस तरीके का आपका जो है। अब इस 5 इंच को क्या करते हैं, इस तरह हम इसको फिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि आप जो छत ढलाई करने वाले उसका एरिया क्या है, स्लैब की थिकनेस क्या है और आप किस तरीके का कंक्रीट यूज करेंगे, यानी जो आप मसाला बनाएंगे छत की ढलाई के लिए उसमें किस तरीके का आपको और रेशियो रखना है। तो जनरली लोग M20 ग्रेड बनाते हैं, M20 ग्रेड कंक्रीट लोग यूज करते हैं। इसमें होता यह है 1:1.5:3 होता है। वो एक क्या है, ये सीमेंट है, 1.5 क्या है सैंड है और ये आपका एग्रीगेट है। तो जो आप कंक्रीट यूज करने वाले हैं स्लैब की कास्टिंग में वो M20 ग्रेड का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। पहले आपको अपना ग्रेड डिसाइड कर लेना है कि हमको जो अपना कंक्रीट बनाना है वो कुछ इस रेशियो का बनाना है, छत की जो आप ढलाई करने वाले उसकी मोटाई कितनी रखनी है और आपका एरिया क्या है। तो पहला हमारा प्रोसेस ये होगा कि हम जो है अपने स्लैब के एरिया को निकालेंगे। तो पहले स्लैब का एरिया निकालते हैं, तो लिखेंगे स्लैब एरिया कितना है, 20 फीट × 50 फीट × 5/12। हमने जो ये इंच था, इंच को हमने फीट में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए हमको 12 से क्या होना करना होगा, भाग करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कुछ आएगा 416 CFT, 416 क्यूबिक फीट आएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 416 क्यूबिक फीट आएगा, ठीक है। अब 416 ये क्यूबिक फीट आया है, हमको क्या करना है कि इसको जो है मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। यानी क्या है, हमको जो हमारा ये क्यूबिक फीट है इस क्यूबिक फीट को हमको जो है मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 35.31 क्यूबिक फीट। एक मीटर क्यूब में इतने सीएफटी होते हैं। तो हमारा क्या करना है, हमको 416 को अगर कन्वर्ट करना है तो हमको करना होगा 416/35.31। ये हमारा आएगा 11.78 मीटर क्यूब। तो हमारा जो स्लैब एरिया था पहले आपको उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। अब ऐसा क्यों करना है, अब हम आपको समझाते हैं। पहले क्या करते हैं हम कि अब हम निकालेंगे कि एक मीटर क्यूब में कितना जो है कितना सीमेंट लगता है, हम इसको निकालेंगे। क्योंकि
ये तो एक फार्मूला है और फार्मूले के थ्रू ये 8 बैग निकलकर आते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि ये 8 नंबर का बैग आपको निकालने कैसे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आपको सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है तो सीमेंट इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट इंटू 1.57। ये दोस्तों एक फार्मूला है। अब हमारा सीमेंट कितना है, 1 है। अब आप इसको प्लस कर दीजिए, 3, 1, 4, 1, 5, 5.5 डिवाइडेड बाई 1.57, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.28 मीटर क्यूब। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 1.57 डिवाइडेड बाई 5.5। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1.58 डिवाइडेड बाई 5.5, ये हमारा 0.28, चूंकि हमारा अभी ये मीटर क्यूब आ गया। तो अब कुछ इस तरीके से देखिए, ये हमारा आ गया सीमेंट की क्वांटिटी, हमारा जो है ये सीमेंट की क्वांटिटी आ गई। अब हम लिखेंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1440 केजी। ये हमारा 1 मीटर क्यूब में 1440 केजी हमारा सीमेंट आता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमको इसका जो है, अब हमको इतने क्यूबिक मीटर में, इतने हमको मीटर क्यूब में निकालना है, तो उसके लिए हम इसमें 1440 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कुछ आएगा 403.2, ये हमारा आएगा केजी में आएगा। तो पहले हमने क्या किया कि स्लैब एरिया निकाला कि जो हमारा क्यूबिक फीट में आया, हमने क्यूबिक फीट को जो है क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम पहले निकालेंगे 1 क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट लगेगा, तो इतना क्यूबिक मीटर सीमेंट लग जाएगा, इतना 1 क्यूबिक मीटर में इतना क्यूबिक मीटर हमारा सीमेंट लग जाएगा। तो अब इसके थ्रू से हम देख लेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर में हमारा जो सीमेंट आता है वो इतने केजी का आता है, तो हमारे इतने क्यूबिक मीटर में 403 केजी जो हमारे वो सीमेंट आएंगे। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो एक बैग सीमेंट आता है, एक बैग सीमेंट जो हमारा 50 केजी का आता है, ये आप बैग्स के ऊपर देख सकते हैं, जनरली बैग्स के ऊपर जो उसका नेट वेट है वो लिखा होता है। तो अब हम देखेंगे 403 केजी में कितना आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा 8। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक फार्मूला भी है और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर अगर आप कॉन्क्रीट बना रहे हैं तो उसमें जो है कितना बैग जो है सीमेंट लग जाएगा, तो वो एक 8 बैग आता है, ये जनरली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो हमारा आ गया नंबर ऑफ क्वांटिटी 8, ठीक है। तो ये कितना आया 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में 8 नंबर ऑफ बैग सीमेंट लगेंगे, ठीक है, 8 नंबर ऑफ बैग सीमेंट लगेंगे। तो अब हमारा जो टोटल एरिया है वो कितना है, हमारा जो टोटल एरिया है वो है, तो हम देखेंगे कि 11.78 मीटर क्यूब में हमारे कितने सीमेंट बैग लग जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से क्यों, कि हमारा टोटल एरिया ये है कि हमारा इतना क्यूबिक मीटर टोटल एरिया है, 1 क्यूबिक मीटर में जो है हमारा 8 बैग सीमेंट लग रहा है, तो 11 क्यूबिक मीटर में निकालने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 11.78 मल्टीप्लाई बाई 8, ये कुछ आ रहा है 94.24। आप इसको 95 बैग आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, स्लैब की थिकनेस अगर आप 5 इंच रख रहे हैं और आपका कंक्रीट ग्रेड जो है M20 ग्रेड का है, तो उसमें कुछ 95 बैग जो है सीमेंट के बैग लग जाएंगे सिर्फ छत की ढलाई में। हमने सिर्फ स्लैब का एरिया यूज किया है, हमने जो हमारे स्लैब बीम्स आते हैं या फिर जो स्लरी यूज की जाती है हमने उसकी बात नहीं करी। हमने सिर्फ आपको, अगर आपका M20 ग्रेड का आप कॉन्क्रीट बना रहे हैं और अगर आप नीचे स्लैब बीम भी यूज कर रहे हैं तो हमने उसका नहीं बताया है, हमने सिर्फ बताया आपको कि स्लैब के एरिया में 95 बैग आप सीमेंट लग सकते हैं।
अगर आप स्लैब बीम भी कंसिडर करना चाहते हैं, चूंकि हर प्लान अलग अलग होता है इसलिए उसको जल्दी नहीं बताया जाता है, तो जहां भी आपके स्लैब बीम होंगे आप स्लैब बीम के एरिया को भी कैलकुलेट करके इसमें प्लस कर देंगे, उसके बाद जो भी आपका एरिया आएगा उससे मैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी आपका निकल जाएगा। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाएं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। तो कुछ हजार स्क्वायर फीट की स्लैब की कास्टिंग में 95 बैग सीमेंट जो है लग जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।